जा नहीं सकती है, कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लेकिन जो लोग देते हैं वो बदमाश तो लागू हो सकती है। यार आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई FIR नहीं है। आदमी देकर मारा गया, ये महान महान अनुशासनहीनता है। इन पुलिस वालों को तुरंत सरकार के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मजा थर्ड डिग्री का मामला जो आगरा में आया, इस थर्ड डिग्री के मामले में ये कहना है कि जब एक पुलिस थाने में मात्र एक छोटी सी चोरी की घटना में एक राजू गुप्ता को थर्ड डिग्री दी जा रही है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? जहां सुरक्षा पुलिसकर्मियों को ले ली गई, वहां थर्ड डिग्री के द्वारा उस आदमी की जान ले ली गई। ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार करके 302 धारा में जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर उनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। पुलिस की थर्ड डिग्री, इस पे आपका क्या कहना है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, देखने में आ रहा है पुलिस विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, और ये नहीं अभी भी हमेशा से देखा जा रहा है कि पुलिस अब थर्ड डिग्री देती है और उनका कोई मापदंड नहीं। उनका जो पुलिस की थर्ड डिग्री किसको दी जानी चाहिए, सभी भाई साहब ने क्वेश्चन जब लगाया, एक शरीफ आदमी को उठालिया उसको थर्ड डिग्री दे रहे हैं, चोरों के चक्कर लुटेरों को बदमाशों को हत्यारों को तो थर्ड डिग्री का लेकिन और थर्ड डिग्री देने वाले लोग हैं कौन? मतलब उनका मानसिक पैमाना क्या है? उनको गुस्सा बहुत तेजी से आता है, गुस्सा ऐसा आता है कि विवेक तिवारी, एक मैम थोड़ा सा दो मैम है ना, विवेक तिवारी जैसे व्यक्ति को तुरंत गोली मार दिया, गुस्से का भी मापदंड एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक डॉक्टर के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। थर्ड डिग्री लेने वाले कौन व्यक्ति और कौन से कर्मचारी और कौन से पुलिसकर्मी और कौन अफसर होने चाहिए? और मेरा एक और मामला, यदि वास्तव में थर्ड डिग्री किसी शरीफ व्यक्ति को देनी है, उसकी परमिशन उच्च अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। बिगर उच्च अधिकारियों की परमिशन के बाद थर्ड डिग्री दी जाती है तो वो पुलिसकर्मी निश्चित रूप से दोषी है, उनको 300 की सजा मिलनी चाहिए। इसमें राजू गुप्ता वाले कांड बन जाए तो जाएंगे किसके पास? ये मेरे सामने का कल का वाकया है और मैं गई थी वहां पर। उस बच्चे को उसकी माँ के सामने थर्ड डिग्री देना सिर्फ एक दलाल के कहने में शक के बिना पे सबसे बड़े कुफार। पुलिस वाले तो है ही है, और हमारा आपसे ये भी सवाल है और कप्तान साहब से भी ये सवाल है कि अगर एक आदमी किसी की हत्या कर देता है तो क्या उस पर आप सस्पेंड करके छोड़ देंगे? उस पर भी 302 का मुकदमा लगाना चाहिए, चाहे पुलिस का कोई भी अधिकारी हो। दूसरी बात, जिसके इशारे पे हुआ, जिसके कहने पे पुलिस वाले ने दोस्ती निभाई और उस बच्चे को जान से मार दिया, उस अंशुल को गिरफ्तार करना चाहिए, 302 का मुकदमा लगाना चाहिए। तीसरा, जिस विधायक जो माननीयों के कहने पे जिसकी गाड़ी में डाल कर लाश को लेके गए, उसकी मां के सामने मारकर, जो बहुत सारी इस बात की गवाह है, विधायक जी की गाड़ी में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।